संरक्षण लिया। प्रकृति बच्चों, हम लोग आज इस आठवें पाठ में पहले शीर्षक के बारे में जानते हैं। लिखा है संरक्षणीय, माने इसका अर्थ हुआ हमारा रक्षण करती है। और क्या यह जो प्रकृति, माने यह जो प्रकृति, लोग कहते हैं प्रकृति साथ नहीं दे रही। प्रकृति का मतलब ये जो हमारे आसपास का वातावरण है, हवा है, वायु है, धरती है, ये सब हमारी प्रकृति है। और कह रहे हैं कि संरक्षणीय, ये हमारे लिए कैसे है, रक्षा करने योग्य है, माने हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो ये हमारी भी रक्षा नहीं करेगी। मतलब कहते हैं कि हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए इसलिए कि ये हमारी रक्षा भी करती है। तो आइए पढ़ते हैं कि पंच भौतिकम इदं दृश्यमानं जगत है इति श्रूयते। इति श्रूयते, श्रूयते कौन सी श्रु धातु है और अर्थ इसका अर्थ आत्मनेपदीय धातु है, इसलिए अर्थ इसका रूप चलेगा लट लकार में प्रथम पुरुष में, श्रूयते श्रूयते श्रूयन्ते। तो ऐसा इति श्रूयते, इसका अर्थ हुआ ऐसा सुना जाता है, ऐसा सुना जाता है। क्या सुना जाता है कि इदम दृश्यमानम जगतम, यह जो दृश्यमान जगत है, यह जो संसार है, यह संसार कैसा दिखा, कैसा है, तो लिखे हैं पंच भौतिकम इदम। क्या लिखा, पंच भौतिकम इदम, कह रहे हैं कि यह जो संसार है इसको यह पंच भौतिक दिखाई देता है। भौतिक क्या है, भौतिक मतलब कि ऐसी चीजें जो मतलब यह संसार पांच वस्तुओं, पांच चीजों से निर्मित है, बना हुआ, ऐसा सुना जाता है। अब लिखा के जाते पंच भूता, कह रहे हैं तो ये पंचभूत हैं क्या, तेजा के हैं, के जाते मतलब वे कौन हैं, पंचभूता माने पांचों भूत, कह रहे हैं ये पंचभूत कौन है। तो लिखा यही विनिर्मितम अस्ति विश्वम, करें जो जिसके द्वारा विनिर्मितम माने बनाया गया है, अस्ति माने है और विश्वम माने संसार, करें जिसके द्वारा ये संसार बनाया गया, ये पंचभूत कौन है, पांच प्राणी कौन है जिससे इस संसार को बना दिया गया है। तो लिखा तादृशी जिज्ञासा जाते असति, करें इस प्रकार की जिज्ञासा हमारे अंदर उत्पन्न होती है। सर्व पंच भूतानि एव ज्ञास्यामि, कह रहे कि सभी लोग इनको जानते, खाली जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं है बहुत लोग। और तानि इमानि सन्ति, अब आगे बता रहे हैं वे ये हैं, कौन कौन सी हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, क्या क्या है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये पंच महाभूत है, इसी को पंच तत्व भी कहते हैं। और इसी को लिखा भी क्षितिजल पावक गगन समीर, क्षितिजल पावक गगन समीर लिखा है तुलसीदास ने। तो मतलब क्या कि ये जो क्षिति माने पृथ्वी, जल माने जल, पावक माने अग्नि, गगन माने आकाश, समीर माने वायु हवा, यही पांचों जो है क्या है, पंच भौतिक तत्व कहे जाते हैं, पंच तत्व। न्याय शास्त्र ते पदार्थ, न्याय शास्त्र में इन पदार्थों को पदवाच्य क्या कहते हैं, न्याय शास्त्र में इनको पदार्थ पद वाच्य पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं। यथा पृथ्वी व्या, क्या लिखा है, पृथ्वी तेज वायु आकाश है, ऐसे पांच पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं। लिखा है एतई है रेव, संधि विच्छेद करिए, एतई रेव,
इकाई रेव, यही सब लिखा है। इसका संक्षेप करेंगे तो बनेगा ए ताई, ए ताई, और क्या होगा धन ए। अब आप कहेंगे मुझे रा कहां गया, रा का विसर्ग हो गया, रा का क्या हो गया विसर्ग। एक होता है ना कि विसर्जनीय शेषा है अन सा सज सो रु, सा को रु होता है, रा होता है, और रा को कर अवसानी हो विसर्जनीय सूत्र से रा को विसर्ग होता है, तो रा का विसर्ग। तो बना ये तई धन एव, करें ये तई रेव, करें कि ये जो हैं ये तई एव महा महाभूत है, करें ये जो महाभूत हैं वो विरचित माने विरचित है, विरचित है समग्र विश्व माने इसी से पूरा संसार विरचित है, और करें पंच भौतिकम इति उच्यते, और यही को पांच पंच भौतिक तत्व के रूप में जाना जाता है, कहा जाता है। एतानि पंचभूतानि, ये जो पांच भूत पंचभूत हैं यावद सुरक्षितानि सन्ति, जब तक हम इनकी सुरक्षा करेंगे, जब तक ये सुरक्षित रहेंगे, तावद एव जीवनम अस्ति, तब तक इस संसार में जीवन होगा। क्यों गलत बोला, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो सांस ले रहे हैं ना, ये सांस क्या है वायु ही तो ले रहे हैं, जब ये दूषित हो जाएंगी, जब ये इसमें अनेक प्रकार की गंदगी आ जाएगी इस वायु में इस वातावरण में, तो हम वही लेंगे सांस के रूप में, और तब हमें तमाम प्रकार की बीमारी हो जाएगी और इस संसार से जीवन मिट जाएगा। तो लिखा है कि यावत सुरक्षितानि सन्ति, जब तक ये सुरक्षित हैं तावदेव जीवनम अस्ति, तब तक क्या है, तब तक इस संसार में जीवन है। इति सर्वैः ज्ञातम्, इति सर्वैः ज्ञातम्, क्या इति सर्वैः ज्ञातम्, मतलब कि ऐसा सभी लोग जानते हैं, सब जानते हैं कि हवा नहीं मिलेगी तो सांस कैसे लेंगे, और सांस नहीं लेंगे तो हम पुटक जाएंगे, सब जानते हैं। और लिखा ज्ञात्वा आपि, ज्ञात्वा धन करे जान कर भी अज्ञ है एव, कह रहे हैं अज्ञ, अज्ञ माने ज्ञा माने जानना, आ माने नहीं, जो जान करे जान कर भी जो है जान कर भी जो अज्ञ माने बेवकूफ बने रहते हैं, अज्ञानी बने रहते हैं, है प्रकृति नाशने रहता माने प्रकृति का नाश करने में जो लीन मानवाह माने मानव लोग हैं, इतो अधिकम आश्चर्यम किम भविष्यति, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा कि मैं जो खा रहा हूं उसी को नुकसान कर रहा हूं। तो जरा सोचो कि जब नुकसान कर देंगे तो भविष्य में क्या खाएंगे, है कि नहीं है। पृथ्वी समस्त स्थावर जंगमानम मानव आधार भूतास्ति, पृथ्वी समस्त स्थावर और जंगम संसार का आधार भूत है, और कलयुगे प्राणो अन्नमय, और इस कलयुग में प्राण देने वाले अन्नमय माने क्या है, ये अन्न क्या करता है, ये हमारे शरीर की रक्षा करता है, हमारी भूख शांत करता है। तो कह रहे हैं कि ये अन्न अन्न क्या है, प्राण है, ये अन्नमय प्राण है, और अतः अन्नदात्री पृथ्वी, इसलिए ये अन्न देने वाली माता धरती को ही जीवनदात्री अस्ति, मतलब हमको ऐसा मानना चाहिए कि ये जीवन प्रदायिनी है, जीवन देने वाली है, मानना नहीं चाहिए है। जलाभावे जीवनम असंभवम अस्ति, ये भी जानते हैं कि जल के अभाव में इस संसार में जीवन असंभव होता है, फिर भी क्या है, यावत जब तक पृथ्व्याम जलम अस्ति, जब तक पृथ्वी पर जल है, तावद एव अस्माकम् अपि अस्तित्वम् अस्ति, तब तक ही हमारा अस्तित्व है, और जलस्य सदुपयोग करणीय है, इसलिए हमें जल का सदुपयोग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जल का सदुपयोग करना चाहिए। यत्र यावत जलम आवश्यकम, जब तक हमें जल आवश्यक है, तावद एव ग्रहम अधिकापयोग है,
कह रहे हैं कि जब यत्र यावत जलम आवश्यकम्, जहां जब तक जल आवश्यक है तावत एव ग्रहणम्, तब तक ही हमें उसका उपयोग करना चाहिए। अधिकोपयोगेते कृते, कह रहे हैं अधिक उपयोग करने से दुरुपयोग है भवति, माने पानी का क्या हो जाता है, दुरुपयोग हो जाता है। और इदानीं इस समय जनाः जलस्य दुरुपयोगं कुर्वन्ति, इस समय लोग जल का दुरुपयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कि जहां हमको दो तीन चार बाल्टी में नहाने को चाहिए तो लोग घरों में टुल्लू आन करके हर 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 नहाते हैं, आधा पानी नहाने के काम आया, आधा वैसे पड़ो के रास्ते, नाले के रास्ते बेकार होकर चला गया। जबकि कितनी महान महत्वपूर्ण निधि है, अत्यधिक जनसंख्यात्मक क्षेत्र, अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र जैसे महानगरे, जैसे महानगरों में जलस्य कृते संघर्ष दृश्यते, पानी के लिए संघर्ष दिखाई देता है। जनाः दूषितं जलं पिबन्, लोग दूषित जल पी करके अवस्था हो अस्वस्था भवन्ति, माने क्या होते हैं, अस्वस्थ होते हैं। कृषका क्षेत्राणां सेचने अधिक दुरुपयोगं कुर्वन्ति, किसान भी खेतों की सिंचाई करने के लिए अधिक पानी का दुरुपयोग करते हैं। साम्प्रतं भूगर्भस्थं जलम अस्ति जलम करें, इसलिए भू माने पृथ्वी के गर्भ में स्थित जो जल है वो अधर तले गच्छति, वो कहाँ चला जा रहा है, अधर तले माने नीचे चला जा रहा है। तो मिला जुला करके देख रहे हैं, सबका महत्व बतलाया जा रहा है कि ये हमारे लिए कैसे कैसे इम्पोर्टेंट है, जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, पृथ्वी हमारे लिए कैसे है, वायु हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो कह रहे हैं कि सब जानते हुए मनुष्य अज्ञानी अज्ञानी अज्ञानता जैसा कार्य करता है, जानता है कि पानी नहीं रहेगा तो हम दाल कैसे पकाएंगे, चावल कैसे पका खाएंगे, है कि नहीं है, लेकिन फिर भी उसका नुकसान करता है, कौन, मनुष्य ही करता है। तो बच्चों आप लोग इस पाठ को पढ़ के यही सीख लीजिए कि कम से कम आपके घरों में अगर ऐसा होता हो तो आप अपने माँ बाप को इस ऐसा या अपने भाई को अपने से बड़ों को ऐसा करने से रोकिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर शेष अगले उसमें आपको पढ़ाएंगे, अगले भाग में इस चैप्टर का शेष भाग अगले भाग में पढ़ाएंगे। तो नमस्कार।